नागरिकों का डाला हर एक वोट बेहतर कल के लिए आशा की नई किरण अग्रवाल। प्रतीक फुट का अपना महत्व, एक एक वोट महत्वपूर्ण। चंडीगढ़ 24 अप्रैल हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र की समृद्ध विरासत में परिवर्तन के सूत्रधार देश के नागरिक हैं। देश के नागरिकों द्वारा डाला गया प्रत्येक वोट केवल उंगली या मतपत्र एक निशान नहीं बल्कि बेहतर कल के लिए आशा की नई किरण है। उन्होंने कहा कि देश के 18 लोकसभा आम चुनाव तहत प्रदेश में 25 मई को मतदान होने हैं। भारत में मतदान जागरूकता अभियान मतदान का ग्राफ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 18वीं लोकसभा आम चुनाव तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी जिले मतदान जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों समेत शिक्षण संस्थानों की उल्लेखनीय भागीदारी है जो मतदाताओं को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय व प्रभावी रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। विभिन्न प्रकार के स्वीप अभियानों के माध्यम से मतदाताओं को प्रत्येक वोट का महत्व समझाया जा रहा है। जो लोग यह सोचते हैं कि उनका एक वोट कोई मायने नहीं रखता है, उन्हें शायद यह एहसास नहीं है कि निष्पक्ष और सटीक जनप्रतिनिधि का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वोट का अपना महत्व है। सोच के साथ प्रदेश के नागरिकों को आगामी 25 में मतदान करने के लिए लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। आदर आचार संहिता उल्लंघन की मिली 2423 शिकायत है। सिरसा से सर्वाधिक 502 लोकसभा आम चुनाव 2024 में सी विजन मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिकों की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि जो कि उन्हें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी मिलती है, त्यों ही वे चुनाव आयोग को अपनी शिकायतें भेजते हैं। नागरिकों की सजगता का परिणाम है कि हरियाणा में अब तक 2423 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें सर्वाधिक 502 शिकायतें सिरसा से मिली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि आमजन सी विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से सिस्टम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यह गौरव की बात है कि उन्होंने कहा कि अंबाला में 455, पुरानी में 64, फरीदाबाद में 264, फतेहाबाद में 71, गुड़गांव में 140, हिसार में 164, झज्जर में 30, जींद से 50, कैसा से 54, करनाल से 22, कुरुक्षेत्र से 54, महेंद्रगढ़ से 6, मेवात के 44, पलवल से 69, पंचकुला से 108, पानीपत से 13, विभानी से 28, रोहतक से 89, सोनीपत से 134 तथा यूनियन नगर से 62 शिकायत प्राप्त हुई है। कल शिकायत में 2709 शिकायतों को रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रीजनिंग अधिकारियों द्वारा सही पाया गया और इस पर नियम अनुसार कार्यवाही की गई। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया, मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका।